प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की चर्चा करेंगे। क्या? राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसके अंतर्गत आज हम केवल इसकी आलोचना बताएंगे कि राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसमें क्या कुछ कमियाँ हैं, इन कमियों की तरफ हम संकेत करेंगे। मतलब राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, आज हम इसका दूसरा पार्ट आपको समझा रहे हैं। प्रथम पार्ट में मैंने आपको राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं और इसके साथ में इस सिद्धांत के क्या लक्षण थे, ये बातें समझाई थी। आज इसकी हम आलोचना करेंगे और आलोचना में बेटा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में मैंने यहाँ निष्कर्ष रूप में जो बातें नोट की हैं, इसके ऊपर प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में एक वाक्यांश जरूर पूछा जाता है, तो ये सारी की सारी आपको नोट करनी है। कहीं ऐसा ना हो, आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा लेक्चर यदि आप देखते हैं तो फिर लास्ट तक जो हम निष्कर्ष तक ले जाते हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा आप हमारे लेक्चर मत देखिएगा। कारण कि आप राजनीति विज्ञान फिर समझ ही नहीं सकेंगे और हम जो मेहनत करें वो मेहनत बेकार जा रही। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं लास्ट तक, चाहे कोई भी लेक्चर आप देखिएगा, लास्ट में जाकर के आपको उस स्थिति में लाकर छोड़ देता हूं कि आप उस टॉपिक के बारे में स्वयं चिंतन, मनन, मूल्यांकन, निष्कर्ष निकालना शुरू कर देंगे। जरा एक लेक्चर पर आप प्रयोग करके तो देखिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि सर ने वाकई हमें सही कहा है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम किसकी चर्चा करेंगे, राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी आलोचना की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। यस, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो हमें ये बात ध्यान देनी है क्या कि राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, वह वास्तविक रूप में दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मतलब राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत था या ईश्वरीय सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि भी राज्य, राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत ने दैवीय सिद्धांत का खंडन किया, इसको चुनौती दी। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। नोट करेंगे ये बात, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने लिखा है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार वास्तव में जो राज्य है वह व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक संस्था है। मतलब राज्य को ये एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, ना कि प्राकृतिक। कैसी संस्था मानते हैं? कृत्रिम संस्था मानते हैं। जबकि हम यदि प्लेटो अरस्तु की बात करते हैं तो वो राज्य को एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं। जबकि जो संविदावादी विचारक है या जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, बनावटी संस्था मानता है, या जो राज्य नामक संगठन या संस्था है ये व्यक्तियों के द्वारा निर्मित संस्था है, ये सिद्धांत ये बात कहता है। तो मैंने यह नोट किया, इसके अनुसार, किसके अनुसार? सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक संस्था है। मतलब लोगों ने आपस में मिलकर के एक समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक संस्था है, ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने लिखा है 17वीं-18वीं शताब्दी के अंतर्गत वास्तविक रूप में शासक और शासितों का जो संबंध है वह वास्तव में दोनों के बीच सामाजिक समझौते का ही फल है। मतलब शासक और शासितों में जो संबंध होता है वह संबंध सामाजिक समझौते का ही प्रतिफल है या फल है। ये बात भी आप नोट करेंगे। इधर मैंने नोट किया सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते में क्या कुछ आएगा ये मैंने नोट कर दिया। इसके बाद मैंने लिखा कल्पना पर आधारित, अर्थात वास्तविक रूप में जब हम राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में दो प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने उभर कर आती हैं। जैसा कि मैंने नोट भी किया, राज्य की उत्पत्ति की विचारधाराओं को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है काल्पनिक विचारधाराएं, दूसरा ऐतिहासिक विचारधाराएं। बेटा काल्पनिक विचारधाराओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो भी विद्वान है, जो भी सिद्धांत दिए गए, ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में केवल कल्पना की बात करते हैं, अर्थात कल्पना के आधार पर अपने विचार देते हैं। इसमें राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आएगा, शक्ति सिद्धांत आएगा, पितृसत्तात्मक
सिद्धांत आएगा, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत आएगा और सामाजिक समझौता सिद्धांत आएगा, ठीक है बेटा, जिसमें आज हम सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की बात कर रहे हैं। इसके बाद में ऐतिहासिक विचारधारा आती है। ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत जो विचारक होते हैं वो राज्य की उत्पत्ति वास्तविक रूप में तथ्यों के आधार पर बतलाते हैं, अर्थात कल्पना का सहारा नहीं लेते हैं, ये तथ्यों का सहारा लेते हैं। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत आएगा और मार्क्सवादी सिद्धांत आएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा जाति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थात इन तीनों ने ही राज्य की उत्पत्ति को समझने में बहुत ज़्यादा सहायता दी है। तो ये सारी बातें आप नोट कीजिएगा, बाकी ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाई है, इसलिए मुझे ज़्यादा समझाने की यहाँ कतई आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल बात पर आते हैं बेटा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना। मतलब जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, विशेषकर इसके जो तीन मुख्य समर्थक हैं हॉब्स लॉक और रूसो, क्या थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो और जॉन लॉक, इन तीनों ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है इसमें क्या कुछ कमियां हैं, क्या खामियां हैं, इसकी आलोचना किन तर्कों के आधार पर की गई है, इसकी चर्चा करेंगे हम। तो बेटा सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत की जब आलोचना की जाती है, चाहे हॉब्स लॉक या रूसो, तीनों की चर्चा कर रहे हैं हम, इन तीनों के ही सामाजिक समझौता सिद्धांत में विशेषकर तीन कमियां दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? एक तो अनैतिहासिक, दूसरा तर्कहीन और तीसरा दार्शनिक दृष्टि से। मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो आलोचना की जाएगी वह तीन आधारों पर की जाएगी, ऐतिहासिक आधार पर, कानूनी आधार पर और दार्शनिक आधार पर। मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की जाएगी, कानूनी दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की जाएगी और दार्शनिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की जाएगी। मैंने आपके लिए यहाँ पर 1, 2, 3 तीन बिंदु भी तैयार कर दिए, इन तीन दृष्टिकोणों के आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की जाएगी बेटा। आप ध्यान देंगे, सबसे पहले लेंगे हम सामाजिक समझौता अनैतिहासिक है, मतलब यहाँ पर ऐतिहासिक आधार पर या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर इसकी कमी या आलोचना की जा रही है। किसकी? सामाजिक समझौता सिद्धांत की। अब सामाजिक समझौता अनैतिहासिक क्यों है? इसलिए है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर जो आलोचक ये कहते हैं कि भाई इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए आप ये कहेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की जा रही है। तो आप नोट करेंगे सामाजिक समझौता अनैतिहासिक है, मतलब इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर भी बिंदु बनाए हैं आपके लिए, जिससे कि आप सामाजिक समझौता अनैतिहासिक क्यों है या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर इसमें क्या कमियां निकाली जाती हैं, मैंने आपके लिए यहां पर चार बिंदु तैयार किए हैं बेटा। पहला है प्राकृतिक अवस्था का प्रमाण नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि हम यदि आदिमकालीन समाज से भी शुरू करते हैं तो वास्तव में जिस प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख हॉब्स लॉक और रूसो ने किया है वैसी प्राकृतिक अवस्था का प्रमाण इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलता है कि भी ऐसी प्राकृतिक अवस्था कभी रही हो जबकि वास्तविक रूप में किसी भी रूप में राज्य और समाज का अस्तित्व नहीं रहा हो, ऐसी स्थिति मनुष्य कभी भी नहीं रहे, मतलब इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आप नोट करेंगे प्राकृतिक अवस्था का कोई प्रमाण नहीं है इतिहास में। अब वास्तविक रूप में आगे हम बढ़ते हैं कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो दो अवस्थाओं की चर्चा करता है। क्या? दो अवस्थाओं की चर्चा करता है। कौन कौन सी अवस्था? प्राकृतिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था वो होती है जिसमें राज्य नामक संगठन नहीं होता है और राजनीतिक अवस्था वो होती है जिसमें राज्य नामक संगठन अस्तित्व में आ जाता है। लेकिन इतिहास में इन दो अवस्थाओं की कहीं चर्चा नहीं है कि भाई प्राकृतिक अवस्था और राजनीतिक अवस्था का इतिहास में कहीं पर भी कोई प्रमाण हो, कहीं पर भी कोई उल्लेख किया हो, ऐसा कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है। इसलिए हम इसके आधार पर भी इसकी आलोचना कर सकते हैं कि दो अवस्थाओं की चर्चा इतिहास में कहीं पर भी नहीं की गई। दो अवस्था कौन कौन सी है? प्राकृतिक अवस्था और राजनीतिक अवस्था, जिसका कि मैंने वास्तविक रूप में पिछले लेक्चर में व्यापक रूप में आपको समझाया है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा जो तर्क दिया गया, क्या दिया गया यहाँ पर आलोचना के लिए, कि किस समय समझौता प्रमाण नहीं। मतलब अब यहाँ अगली बात ये आती है कि हॉब्स ने जो लोक ने जीन जैक्स रूसो ने कहा है कि भाई सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आता है, राज्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन वास्तव में आलोचकों का कहना है कि किस समय, किस निश्चित समय में समझौता हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। कोई समय तो बताएं कि किस समय की स्थिति को ये समझौता हुआ, तो इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, इसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि 1620 के मेफ्लावर, बेटा ध्यान देंगे मेफ्लावर समझौता हुआ और 1636 में प्रोविडेंस समझौता हुआ, परंतु ये लोग प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह रहे थे। मतलब
कुछ विद्वान ये कह देते हैं कि भाई 1620 में 1636 में समझौता हुआ था, तो ये प्रमाण है कि इस समय समझौता किया गया। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि जब ये समझौता किया गया था इनके द्वारा, तो ये लोग वास्तव में प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह रहे थे। उस समय वो स्थिति नहीं थी जिस स्थिति का उल्लेख हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया है। इसलिए निश्चितता से कहा जा सकता है कि किस समय समझौता किया गया, इसका कोई निश्चित प्रमाण इतिहास में नहीं है। दो बात बेटा, तीसरी बात है, समझौता शासन संबंधित तो होते हैं, समाज तथा राज्य संबंधी नहीं। मतलब वास्तविक रूप में जब हम हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, तो उसमें ये बात दिखाई देती है कि जो समझौता है वह शासन संबंधी तो होता है, लेकिन समाज तथा राज्य संबंधी कोई समझौता नहीं होता है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। और चौथा है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के या मनुष्य को स्वतंत्र इकाई मानते हैं, जबकि मनुष्य हमेशा सामुदायिक जीवन व्यतीत करता था। बेटा ध्यान देंगे, अब वास्तविक रूप में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर इसकी जो चौथी आलोचना की जाती है, वो ये की जाती है कि ये तीनों ही विचारक कौन कौन, हॉब्स, लॉक और रूसो, प्राकृतिक अवस्था मनुष्य को स्वतंत्र मानते, स्वतंत्र इकाई मानते हैं कि भाई प्राकृतिक अवस्था मनुष्य स्वतंत्र थे। हॉब्स कहता है कि सबका सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति थी। जॉन लॉक कहता है कि व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते थे लेकिन वैसे स्वतंत्र थे। और जीन जैक्स रूसो कहता है कि व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वभाव से आदर्श बर्बर था, वह स्वच्छंद रूप में वनों में विचरण करता था। तो सीधी सी बात होगी कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य को स्वतंत्र इकाई मानते थे तीनों ही चिंतक, तीनों ही विचारक, तीनों ही समझौतावादी विचारक, हॉब्स, लॉक और रूसो। लेकिन वास्तव में मनुष्य हमेशा, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो मनुष्य हमेशा किसी न किसी रूप में सामुदायिक रूप में जीवन व्यतीत करता था। क्या? सामुदायिक रूप में जीवन व्यतीत करता था। पूरा लिखेंगे, सामुदायिक रूप में जीवन व्यतीत करता था। आप प्रारंभिक रूप में यदि देखें तो आदिम समय में कबीलाई समाज था, तो कबीलाई समाज में भी किसी न किसी रूप में लोग समुदाय के रूप में ही रहते थे। तो इसलिए वास्तविक रूप में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था मनुष्य स्वतंत्र रहते थे। नहीं, किसी न किसी रूप में वो कबीले के रूप में, समुदाय के रूप में, समूह के रूप में रहते थे। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की जाती है। चार बिंदु के माध्यम से मैंने ये बात समझाई है। बेटा, अब इसकी आलोचना का दूसरा आधार या दूसरा दृष्टिकोण है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, बुरा कानून है। मतलब यहां पर सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो आलोचना की जाएगी वो कानूनी दृष्टिकोण से की जाएगी। बेटा, किस दृष्टिकोण से? ये तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आलोचना हुई है, एक कानूनी दृष्टिकोण से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर आलोचना, यहां लिखेंगे कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर आलोचना, यदि ये बिंदु समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी आप लिखेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत बुरा कानून है। अब वास्तविक रूप में यहां क्या क्या तर्क दिए गए बेटा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह तर्कहीन है। तर्कहीन क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में जब प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत किसी भी रूप में कोई सत्ता नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई समाज नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में समझौता एक प्रकार से गैर कानूनी है, तर्कहीन है, तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इसका कोई आधार ही नहीं। जब समाज ही नहीं है, राज्य ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर समझौते का पालन कौन करवाएगा? इसलिए जो समझौता है वह गैर कानूनी है या तर्कहीन समझौता है। बेटा, दूसरी आलोचना है इसके आधार पर, समझौते को लागू करने वाली सत्ता का होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, अब यदि समझौता हो भी गया हॉब्स, लॉक और रूसो के अनुसार, तो फिर समझौते को लागू करने वाली सत्ता का होना अनिवार्य है, जबकि वास्तविक रूप में समझौता जो किया गया है उसको लागू कराने वाली कोई सत्ता थी ही नहीं उस समय, तो फिर समझौते को लागू कौन कराएगा? तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा है, समझौते का सदस्य बनने के लिए तो कहा, परंतु उसे समझौते के अंतर्गत राज्य से बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं की गई। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ही क्या कह रहे हैं कि समझौते का सदस्य बनने के लिए तो कहा है कि किसी ने किस रूप में, मतलब लोगों ने जो है समझौता किया, ये मान लें हम कि आपस में मिलकर के समझौता किया है, तो समझौते का सदस्य बनने के लिए तो कहा है कि भाई आप आपस में मिलकर के समझौता करें जिससे कि प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाए और राजनीतिक अवस्था आ जाए जिसके अंतर्गत राज्य नामक संगठन अस्तित्व में आ जाए। ठीक है, अब ये बात तो सही है कि समझौते का सदस्य बनने के लिए तो कह दिया,
परंतु उसे समझौते के अंतर्गत राज्य से बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं की गई। मतलब समझौते का पालन करना ही पड़ेगा, अगर समझौते का पालन नहीं किया गया तो इसका मतलब ये माना जाएगा वापस प्राकृतिक अवस्था में जाना, और मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में जाना पसंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ मनुष्य को, व्यक्ति को बाध्य कर दिया गया कि एक बार समझौता हो गया तो उसके बाद में आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को भी उस समझौते का पालन करना पड़ेगा। तो यह है जो बात है, वह वास्तविक रूप में तर्क संगत नहीं है। तीन बातें होगी बेटा। चौथी आलोचना की गई है कि जिन अधिकारियों की व्यवस्था की गई उनका भी कोई कानूनी आधार नहीं है। अब वास्तविक रूप में हॉब्स, लॉक और रूसो, जिसके अंतर्गत विशेषकर जॉन लॉक ने तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब ठीक है कि अधिकारों की व्यवस्था तो इन्होंने की है, हॉब्स ने भी अधिकार की व्यवस्था की है। किस रूप में की है कि भी अगर एक नागरिक को, एक व्यक्ति को ये लगे, अगर मान लीजिए वो सेना में भर्ती है और दो राष्ट्रों के मध्य में युद्ध की घोषणा हो जाती है और उस नागरिक को ये लगता है कि अब मैं बच नहीं सकता, मेरी मृत्यु निश्चित है, तो ऐसी स्थिति में सेना से भाग सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए तो समझौता किया गया। तो हॉब्स तो यहाँ तक कह रहा है कि सेना से भागने का भी अधिकार दिया जा रहा है, हॉब्स कह रहा है। इसलिए हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। ऐसा अधिकार आज किसी भी देश के अंतर्गत कोई सरकार नहीं दे सकती, जबकि हॉब्स ने यह स्वतंत्रता दी थी व्यक्ति को। तो मेरा कहने का मूल भावार्थ यह है कि इन तीनों ने ही, मतलब हॉब्स, लॉक और रूसो ने, किसी न किसी रूप में अधिकारों की व्यवस्था की है, अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत जिन अधिकारियों की व्यवस्था करता है उनका भी कोई कानूनी आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में अधिकारों की व्यवस्था तो कर दी गई लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में इसकी तीसरी आलोचना लेते हैं हम। सामाजिक समझौते का सिद्धांत बुरा दर्शन है, मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में दार्शनिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की जा रही है। ध्यान दें, पहला जो बिंदु है इसको आप लिखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आलोचना, दूसरा लिखेंगे कानूनी दृष्टिकोण से आलोचना, और तीसरी आलोचना लिखेंगे क्या? दार्शनिक दृष्टिकोण से आलोचना। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत बुरा दर्शन है, मतलब दार्शनिक दृष्टिकोण से भी इसमें कमियां निकाली गई है। इसके लिए भी मैंने यहाँ आपके लिए, ध्यान देंगे, सात बिंदु बनाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, सातों के सातों आप नोट करेंगे। मैंने बड़ा प्रयास किया है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी सामाजिक समझौते सिद्धांत में क्या कमियां हैं, इसमें क्या अवगुण है, इसकी क्या आलोचनाएं हैं, ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ में आ जाएं। और लास्ट में निष्कर्ष रूप में जो महत्वपूर्ण विद्वान है उनके जो व्याख्यान से वो भी मैंने नोट कर दिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा। सबसे पहला जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इससे ये बुरा दर्शन है या दार्शनिक दृष्टिकोण से इसकी जो आलोचना की जाती है उसमें पहली आलोचना है दीर्घकाल की देन। मतलब वास्तविक रूप में सामाजिक समझौता सिद्धांत तो ये कह रहा है कि भाई लोगों ने आपस में मिलकर के एक समझौता कर लिया है, मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये जो राज्य नामक संस्था है वो बनावटी है, एक कृत्रिम संस्था है कि भाई किसी समय विशेष में आपस में लोगों ने समझौता कर लिया है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि राज्य एक निश्चित समय में अस्तित्व में नहीं आया है समझौते के परिणाम स्वरूप, नहीं, बल्कि राज्य तो दीर्घकाल की देन है। मतलब राज्य का क्रमशः धीरे 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 विकास हुआ है, ये एक निश्चित समय की देन नहीं है। इसलिए वास्तविक रूप में दर्शन के आधार पर, दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर भी इसमें ये कमी निकाली जाती है कि यह विकास का परिणाम है या दीर्घकाल की देन है या लंबे समय की देन है, अर्थात राज्य का धीरे 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 विकास हुआ है। इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि किसी निश्चित समय में समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया है, ऐसा नहीं है। दूसरा जो इसमें कमी निकाली गई है दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर, वो ये कि जो राज्य है वह प्राकृतिक संस्था है, कृत्रिम संस्था नहीं। सामाजिक समझौता सिद्धांत तो ये कहता है कि राज्य वास्तविक रूप में, जैसा कि यहाँ भी मैंने लिखा है, राज्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक संस्था है, मतलब एक बनावटी संस्था मानते हैं, है एक कृत्रिम संस्था मानता है सामाजिक समझौता तो। लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने स्पष्ट रूप में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा है, क्या कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। मतलब वास्तविक रूप में राज्य एक बनावटी संस्था नहीं है, बल्कि राज्य तो लोगों के दिमाग में, लोगों के विचारों में ही निहित है, वो स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है, वो स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। इसलिए राज्य को एक कृत्रिम बनावटी संस्था नहीं कहा जा सकता, इसी कारण राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था नहीं है, बल्कि राज्य तो एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक उसी प्रकार से जैसे परिवार एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, वैसे ही राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था है, प्राकृतिक संस्था है। यस बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
तीसरा है प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार थे दार्शनिक दृष्टि से सही नहीं है। नोट कीजिएगा, मतलब प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार थे तो दार्शनिक दृष्टि से ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में यदि प्राकृतिक अधिकार थे तो फिर इन प्राकृतिक अधिकारों को लागू कौन करवाएगा? क्योंकि राज्य नहीं, सत्ता नहीं, समाज नहीं, तो दार्शनिक दृष्टिकोण से ये बात भी असत्य है। तीसरा, चौथा है राज्य समझौते पर आधारित नहीं प्राकृतिक संस्था है, जैसे परिवार जन्म से। ध्यान दिया भी। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में सामाजिक समझौता सिद्धांत तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि राज्य एक जो है बनावटी संस्था है, लेकिन सच्चाई ये है कि राज्य समझौते पर आधारित नहीं है, ये एक बनावट संस्था नहीं है, एक बनावटी संस्था नहीं है, एक कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है। कैसे स्वाभाविक है? जैसे कि परिवार नामक संस्था जो कि बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, परिवार, परिवार भी तो एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है। जैसे मान लीजिएगा हम ये कहें कि परिवार एक स्वाभाविक संस्था इसलिए कि बच्चे का जन्म वास्तविक रूप में परिवार में ही होता है, इसलिए बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है, बच्चे की प्रथम गुरु माँ को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से वास्तविक रूप में जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वह जन्म से ही राज्य का सदस्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है, तो जन्म के साथ ही वो राज्य का सदस्य बन जाता है। इसलिए राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, बनावटी संस्था नहीं है, बल्कि राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है, जैसे कि परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। और अरस्तु ने तो स्पष्ट रूप में कहा है कि परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर राज्य, मतलब सबसे पहले परिवार अस्तित्व में आता है, पति पत्नी संतान से परिवार बनता है, अब एक परिवार से अनेकों परिवार बनते हैं, अनेकों परिवार से एक ग्राम बन जाता है, अब एक ग्राम से अनेकों ग्राम बन जाते हैं, अनेकों ग्रामों से एक नगर राज्य की स्थापना होती है, तो नगर राज्य तक पहुंचे हैं, तो यहाँ समझौता हुआ है नौ, यहाँ पर तो धीरे धीरे विकास हुआ है, तो डेफिनेटली बात कही जा सकती है कि स्वाभाविक रूप में नगर राज्य अस्तित्व में आता है। ऐसे ही ये कहा जा सकता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, राज्य बनावटी संस्था नहीं है, राज्य व्यक्तियों के द्वारा निर्मित संस्था नहीं है। पांचवा, राज्य स्वयं प्रकृति का ही एक अंग है और राज्य मनुष्य की प्रकृति का सर्वोच्च विकास। ध्यान देंगे अब यहां पर, मतलब राज्य स्वयं प्रकृति का ही एक अंग है। जैसे मान लीजिएगा परिवार नामक संस्था की स्थापना के लिए कोई समझौता किया गया है? नहीं किया गया। स्वाभाविक रूप में परिवार नामक संस्था अस्तित्व में आती है, फिर एक परिवार से अनेकों परिवार बनते हैं, अनेकों परिवार से ग्राम बनता है, अनेकों ग्रामों से नगर राज्य सिटी स्टेट की स्थापना होती है, क्योंकि प्राचीन यूनान के अंतर्गत जो राज्य थे उनको नगर राज्य कहा जाता था, आज के राज्यों को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। तो डेफिनेटली राज्य स्वयं प्रकृति का ही एक अंग है और राज्य मनुष्य की प्रकृति का सर्वोच्च विकास है। मतलब राज्य मनुष्य की प्रकृति का सर्वोच्च विकास कैसे है? जैसे अरस्तु ने कहा कि सबसे पहले परिवार अस्तित्व में आता है, पति पत्नी संतान से, उसके बाद में विभिन्न परिवार से ग्राम बनता है और ग्राम से नगर राज्य बनता है। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में राज्य मनुष्य की प्रकृति का सर्वोच्च विकास है। सबसे पहले परिवार अस्तित्व में आता है, फिर ग्राम आते हैं और ग्राम से नगर राज्य आता है। अब आगे मैंने लिखा है कि वास्तविक रूप में राज्य का विकास हुआ है, राज्य मशीन से नहीं बना है, मतलब राज्य का निर्माण मशीन से नहीं होता है, राज्य का तो धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है, जैसा कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा है। इसलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत की यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि राज्य एक बनावटी संस्था है या एक कृत्रिम संस्था है या सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आता है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस पांचवें बिंदु के अंतर्गत एक विद्वान है गिलक्राइस्ट, इन्होंने कहा है कि राज्य के संबंध में लोग जानबूझकर सौदा नहीं करते, बल्कि यह समझौता तो मनुष्यों के स्वभाव में ही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गिलक्राइस्ट क्या करे कि राज्य के संबंध में लोग जानबूझकर सौदा नहीं करते, जानबूझकर कोई समझौता नहीं करते, जैसा है कि हॉब्स लॉ को रूसो ने कहा है, बल्कि यह समझौता तो मनुष्यों के स्वभाव में ही नहीं है। मतलब स्वभाव में ही यह समझौता नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। किसने कही बात? राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने कही है, नोट कीजिएगा। इसलिए गिलक्राइस्ट की इस बात में पूर्ण सत्यता है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है। किसकी? सामाजिक समझौता सिद्धांत की। अब छठा जो बिंदु बन रहा है तीसरे के अंतर्गत, वह है प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों की व्यवस्था तो राज्य असंगत। क्या मतलब है इसका? अब हॉब्स लॉक और रूसो तीनों ही प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों की बात करते हैं कि भी प्राकृतिक नियम थे प्राकृतिक अवस्था में। जब प्राकृतिक नियम प्राकृतिक अवस्था में थे तो फिर राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझौते की जरूरत क्यों पड़ी?
ऐसी स्थिति में राज्य तो असंगत लगता है कि प्राकृतिक नियम पहले से मौजूद थे, प्राकृतिक नियमों की व्यवस्था कर दी गई थी, तो फिर मनुष्य उसके सारे जीवन जी जा सकते थे, अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। तो इसलिए फिर राज्य अपने आप में क्या है, असंगत दिखाई देता है, मतलब समझौते की कोई सार्थकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सातवां बिंदु बनता है इसमें तीसरी आलोचना में, क्या कि प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं तो राज्य की सत्ता, सार्वजनिक हित, व्यक्तियों के अधिकार आदि प्रश्नों का ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ। चेतना थी तो प्राकृतिक अवस्था और राजनीतिक अवस्था, ये दो प्रकार की अवस्थाएं क्यों बतलाई, मैं समझाऊंगा इसको बेटा। देखो, प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं, मतलब हॉब्स लॉक रूसो का कहना है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं था, व्यक्ति स्वतंत्र रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। हॉब्स कहता है कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी, जॉन लॉक कहता है कि पारस्परिक सहयोग से जीवन व्यतीत करते थे, और रूसो कहता है कि मनुष्य स्वच्छंद रूप में वनों में विचरण करता था। ये प्राकृतिक अवस्था की बात आती है। तो प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं था तो फिर राज्य की सत्ता, सार्वजनिक हित, व्यक्तियों के अधिकार आदि प्रश्नों का इसको ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ कि हमें समझौता करना है। अब मान लो हॉब्स कह रहा है कि व्यक्ति स्वभाव से बड़ा स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, छली कपटी, पशुओं से भी ज्यादा हिंसक है। जीन जैक्स रूसो कह रहा है कि आदर्श बर्बर है, भोला भाला है, इसको कोई ज्ञान ही नहीं है। जब इसको कोई ज्ञान ही नहीं है तो फिर सामाजिक समझौते का ज्ञान कैसे हुआ इसको कि समझौता करना है, इसको राज्य की सत्ता का ज्ञान कैसे हुआ, इसको सार्वजनिक का ज्ञान कैसे हुआ, और व्यक्तियों के अधिकार भी इसका ज्ञान कैसे हुआ। और एकदम वो झगड़ालू व्यक्ति, हॉब्स का झगड़ालू व्यक्ति एकदम सज्जन कैसे बन गया, हॉब्स का झगड़ालू व्यक्ति एकदम समझौता करने के लिए राजी कैसे हो गया, जो कि दूसरे व्यक्ति के प्राणों का भूखा है। जैसा कि स्वयं हॉब्स ने कहा है कि अवसर मिलने पर व्यक्ति पिशाच की तरह टूट पड़ता है, तो वो पिशाच एकदम देवता कैसे बन गया, कैसे संभव हो सकता है। इसलिए इस आधार पर भी आलोचना की जा सकती है कि प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं तो फिर राज्य की सत्ता, सार्वजनिक हित, व्यक्तियों के अधिकार आदि प्रश्नों का ज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया, एकदम ऐसा क्या कुछ हुआ। और उसके बाद में यदि मान लीजिएगा इनमें चेतना थी कि भी हम समझौता कर ले मिलकर के आपस में, जिससे कि राज्य की स्थापना हो जाए और फिर हम शांति से जीवन व्यतीत कर लेंगे, अगर इनमें चेतना थी, बुद्धि थी, तो फिर इन्होंने वास्तविक रूप में इतिहास को दो अवस्था में क्यों बांटा, प्राकृतिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं, राजनीतिक अवस्था में राज्य, तो फिर दो अवस्थाओं का इन्होंने विभाजन क्यों किया, इन्होंने संपूर्ण इतिहास को दो भागों में बांट दिया, दो अवस्थाओं में बांट दिया, प्राकृतिक अवस्था और राजनीतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं है, राजनीतिक अवस्था में राज्य है। जब इनको इतना ज्ञान है, इतनी चेतना है, तो फिर दो प्रकार की अवस्था नहीं हो सकती है, एक ही अवस्था होगी राजनीतिक अवस्था। क्यों, क्योंकि इनको ज्ञान था, इनको चेतना थी। इसलिए इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है, और आप कहेंगे कि दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना इन सात बिंदुओं के आधार पर आप कर सकते हैं। और इतनी आलोचना करने के बाद में दावे के साथ कहते हो सामाजिक समझौता सिद्धांत की कंप्लीट आलोचना आपके लिए तैयार हो गई है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जाइएगा, आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो मैंने तीन दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है। यहाँ पर तीनों ही विचारक आ जाते हैं, हॉब्स लॉक और रूसो। ठीक है, तो यहाँ पहला बिंदु फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, इसको कानूनी दृष्टिकोण से आलोचना भी कह सकते हैं, और इसको दार्शनिक दृष्टिकोण से आलोचना भी कह सकते हैं। और तीनों ही इन दृष्टिकोणों में मैंने आपके लिए बिंदु तैयार किए, इसके आधार पर आप इनकी आलोचना को समझ सकते हैं बेटा। इसके बाद में सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो हमने बुराई की है, कमी निकाली है, आलोचना की है। अब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी सिद्धांत हो चाहे दुनिया में, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, देखो कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, ये बात सत्य है कि उसमें कोई ना कोई कमी होगी, पर यह भी सत्य है कि कोई भी सिद्धांत हो चाहे उसमें कितनी ही कमियां हो, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें गुण पाया ही जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम इसकी कुछ प्रशंसा भी करेंगे कि इसका क्या योगदान रहा। ठीक है, अब ध्यान दें, सबसे पहले तो मुख्य जो आलोचना की बात आ रही है, इसका समर्थन करते हुए मैं कहूँगा क्या कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो माननीय सिद्धांत नहीं है, सम्माननीय सिद्धांत नहीं। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि राज्य को ये एक बनावटी संस्था मानता है, कृत्रिम संस्था मानता है, जबकि राज्य एक स्वाभाविक प्राकृतिक संस्था है, जैसा कि प्लेटो और अरस्तु ने भी इसको स्वाभाविक प्राकृतिक नैतिक संस्था बतलाया था। और वाकई देखा जाए तो राज्य एक झटके से एक निश्चित समय विशेष पर अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि राज्य का धीरे 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 विकास हुआ है। जैसा कि मैं कहूँ, आज पूरी दुनिया में राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है।
विकासवादी सिद्धांत को ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि भी राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है ना। तो जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो माननीय सिद्धांत नहीं है, एक बात। आगे फिर मैंने यहाँ कुछ वाक्यांश लिखे हैं, पहले है सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन इसे व्यर्थ घोषित किया है, मतलब सर हेनरी मेन ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को व्यर्थ घोषित किया है कि ये सिद्धांत व्यर्थ है, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई योगदान नहीं है, कोई देन नहीं है, इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। किसने की है? सर हेनरी मेन ने। नोट करें ये बात, एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद में आता है टी एच ग्रीन, मतलब थॉमस हिल ग्रीन, टी एच ग्रीन। ये क्या कह रहे हैं? इसे एक नाटक मानते हैं, मतलब टी एच ग्रीन सामाजिक समझौता सिद्धांत को एक नाटक मानते हैं। नोट करेंगे, टी एच ग्रीन सामाजिक समझौता सिद्धांत को एक नाटक मानते हैं, ठीक है। दो बात। तीसरी जेरेमी बेंथम है, जो कि उपयोगितावाद के जनक कहलाते हैं, उपयोगितावाद के जनक हैं जेरेमी बेंथम। ये इसे युक्तिहीन कहते हैं, मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत को ये युक्तिहीन कहते हैं। कौन? जेरेमी बेंथम। अब जेरेमी बेंथम के बारे में आप अलग से कुछ समझना चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत मैंने पूरा बेंथम अपलोड कर रखा है। इसके बाद में अगला है वुलजे, बेटा नोट करेंगे, वु नहीं वुलजे, वु आधा लय, वुलजे। ये क्या करें? इसे पूर्णतया झूठा समझा है, मतलब वुलजे ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को पूर्णतया झूठा माना है। क्या माना है? इसको झूठा माना है। और इसके बाद में पोलक है, पोलक कह रहे हैं इसे राजनीतिक दृष्टि से असंगत माना है, मतलब पोलक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को राजनीतिक दृष्टि से असंगत माना है। क्या माना है? असंगत माना है। तो ये वाक्यांश आपको याद हो जानी चाहिए, ये किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है, मुझे पूरा विश्वास है आप ये सब नोट करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी अब ये सारी बातें तो कमी की तरफ संकेत कर रही कि भाई सामाजिक समझौता सिद्धांत का कोई योगदान नहीं है, इसकी कोई देर नहीं है, व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे कि कोई भी सिद्धांत चाहे उसमें कितनी ही कमियां हो, उसकी जी भर के आलोचना की जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गुण तो होता ही है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें यदि सारे अवगुण भरे पड़े, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में एक गुण तो मिलेगा। तो इसीलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी कोई गुण तो है, कुछ योगदान तो है। वो क्या है देखें, फिर मैंने लिखा है फिर भी, मतलब इतनी आलोचना करने के बावजूद भी इसका योगदान है। क्या? फिर भी राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में सामाजिक समझौता सिद्धांत का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हॉब्स लॉक रूसो ने भी वास्तविक रूप में राजनीतिक चिंतन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कैसे? इसका महत्व इस बात में है कि इसमें सहमति और अनुमति को राज्य का आधार माना गया है। बेटा ध्यान दीजिएगा, मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत सहमति और अनुमति को राज्य का आधार माना गया। अब आज हम जब शक्ति सत्ता और वैधता का अध्ययन करते हैं, शक्ति सत्ता और वैधता का अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं ही है शक्ति सत्ता और वैधता। तो वैधता का क्या अर्थ होता है? वैधता का अर्थ यही तो होता है कि जब राज्य व्यवस्था को जनता के द्वारा जो सहमति दी जाती है वो सहमति वैधता कहलाती है। आज जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंतर्गत जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उन उम्मीदवारों को हम अपना मत देते हैं, तो वो मत देना क्या एक प्रकार की सहमति ही तो है, वो एक समझौता ही तो हो रहा है। तो किसने कहा कि सामाजिक समझौता बिल्कुल व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है, इसका योगदान है, इसकी देन है। आज भी हम अपने मत का प्रयोग करते हैं तो वास्तविक रूप में उम्मीदवार को सहमति दे रहे हैं कि आप जाइए हमारे लिए कानून बनाइएगा। अगर आप हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे, आपने जो घोषणा पत्र हमारे सामने रखा है उस घोषणा पत्र के आधार पर कानून बनाएंगे तो अगली बार 5 वर्ष बाद में हमारे सामने आएंगे तो हम पुनः आपको मत देंगे, और यदि आपने उस घोषणा पत्र के आधार पर कानून नहीं बनाए तो हम अगली बार आपको अपना मत नहीं देंगे। तो फिर समझौता ही तो एक प्रकार से, इसलिए हम कह सकते हैं कि सहमति और अनुमति को राज्य का आधार माना गया। तो सहमति और अनुमति को आज भी राज्य का आधार माना जाता है। तो कहा जाता है कि जिस राज्य व्यवस्था को वैधता प्राप्त नहीं होती उस राज्य व्यवस्था को अपने कानूनों का संचालन करने के लिए, राज्य व्यवस्था का संचालन करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, और जिस राज्य व्यवस्था को जनता की सहमति प्राप्त होती है, वैधता प्राप्त होती है, उसे बल प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यस, वैधता, लेजिटिमेसी, वैधता के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, तो वैधता की अवधारणा अलग से चलती है, तो यही तो इसका योगदान है। अच्छा बेटा, आगे अगली बात, दैवीय सिद्धांत का खंडन किया, मतलब वास्तविक रूप में सामाजिक समझौते सिद्धांत का यह भी एक योगदान है कि इसने दैवीय सिद्धांत का
खंडन किया। और दैवीय सिद्धांत क्या अर्थात ईश्वरीय सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता था कि राजा के द्वारा जो भी आदेश दिया जाए, गलत ही दिया जाए, उसका पालन जनता को करना ही पड़ेगा, किसी भी रूप उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो कम से कम निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आवाज तो उठाई इन्होंने और ये तो कहा कि राज्य का आधार सहमति और अनुमति होना जरूरी है, तो ये योगदान ही तो है। आज पूरी दुनिया के अंतर्गत आप देखिएगा, कुछ अपवादों को छोड़ करके मुझे बताइएगा, राजतंत्री शासन प्रणाली, लोकतंत्री शासन प्रणाली, लोकतंत्री शासन प्रणालियां तो है। तो फिर लोकतंत्र का समर्थन तो जॉन लॉक ने भी किया है और रूसो ने तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है, तो फिर कैसे कह सकते हैं हम कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का कोई योगदान नहीं है? नहीं, इसका योगदान है। किस रूप में? सहमति और अनुमति के रूप में, कि ये अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत सहमति और अनुमति को राज्य का आधार मानता है, जिसे कि आज दुनिया में वैधता कहते हैं, हम औचित्य पूर्णता कहते हैं। दैवीय सिद्धांत का खंडन किया और शासन के लिए शासितों की सहमति पर जोर दिया। मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत ने शासन के लिए शासितों की सहमति पर जोर दिया। कम से कम इसने ये तो कहा कि शासितों की सहमति होनी चाहिए। आज लोकतंत्र में शासित जो होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनकी सहमति होती है नहीं होती है? वही तो उम्मीदवार विजयी होता है जिसको जनता अपना मत देती है, होता है या नहीं? तो इसका मतलब जो शासन है सहमति पर ही तो आधारित है। वास्तविक रूप में जो शासन है वो शासितों की सहमति पर आधारित तो है। अब शासन को जो शासितों की सहमति दी जा रही है वही तो वैधता है, वही तो औचित्य पूर्णता है। और जब शासन को, शासक को शासितों की, जनता की सहमति मिल जाती है तो इसका मतलब वैधता मिल गई, और जिसको वैधता मिल जाती है वह लंबे समय तक राज कर सकता है और बल प्रयोग करने की भी कतई आवश्यकता नहीं होती है। और जिस शासन को शासितों की सहमति नहीं मिलती है, जनता की सहमति नहीं मिलती है, वह लंबे समय तक शासन का संचालन नहीं कर सकता, उसे बल प्रयोग करना पड़ेगा। और बल का प्रयोग कितने समय तक किया जा सकता है? तो जनता की सहमति तो जरूरी है, और राज व्यवस्था को जन सहमति, शासन व्यवस्था को जन सहमति ही वैधता या औचित्य पूर्णता कहलाती, यही सामाजिक समझौते सिद्धांत का योगदान है बेटा। आगे मैंने लास्ट में लिखा है, प्रभु सत्ता संबंधी विचारों ने आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में योगदान दिया है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अब हॉब्स लॉक और रूसो ने जिस प्रभु सत्ता की, जिस शासन की, जिस सत्ता की बात की है, उस सत्ता संबंधी विचारों ने आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, बहुत ज्यादा योगदान दिया है। हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र की बात की है, जॉन लॉक ने सीमित शासन की बात की है, और जीन जैक्स रूस ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात की है, लेकिन प्रभु सत्ता की बात तो की ही है इन्होंने। इसलिए आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में इनका योगदान है, किसका? सामाजिक समझौता सिद्धांत का। मैंने ये जो बेटा जो यहाँ लिखा ना कि प्रभु सत्ता संबंधी विचारों ने आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में योगदान दिया है। ये हो गया आपका राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना। मुझे पूरा विश्वास है आप सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच।